हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेशर आईटी। मध्य प्रदेश की एक और दोस्तों नई भर्ती हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों आज की जो भर्ती है मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से दोस्तों निकाली गई है। आवेदन आप लोगों के एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से होना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पद रहने वाले हैं स्टेनोग्राफिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 3, ठीक है। ये आपके पद निकाल गए हैं। इसके आवेदन 18/9/2020 प्रारंभ हो चुके हैं और 3 अक्टूबर तक ये चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले पोर्टल पर, फिर चलते हैं एमपी के पोर्टल पर। और कहाँ से करना है डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप लोगों से दोस्तों मेरे एक ही निवेदन रहता है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करते हैं लाइक। चलिए चलते हैं पोर्टल पर। देखिए आप लोग है ना गूगल पर, यहाँ पर लिखना है MPSSCA और आप लोग लिखोगे आपके सामने आ जाएगी फर्स्ट लिंक, इस पर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने दोस्तों ये खुल जाएगा और ये आपका रहने वाला है मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, ठीक है। ये रहेगा पोर्टल, इसका आप लोग जाके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप करते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड। देखिए नोटिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा एमपी लर्न के पोर्टल पर। जैसे आप लोग ये लिखोगे आपको समझ आएगा एमपी लर्न का ये पोर्टल, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको करना है स्क्रॉल, ठीक है। जैसे लोग तो आप लोग यहाँ पे करोगे स्क्रॉल और यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये रहेगा नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सीट, ठीक है, एंड फार्मर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पर तो इसके जो आवेदन है ये प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाली, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से कर लें डाउनलोड, ये रहेगा अप्लाई करने का लिंक। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये जाएगा, जिन आवेदकों को पहले से इस पर रजिस्ट्रेशन है मतलब आईडी पासवर्ड है वो दोस्तों यहाँ पर करेंगे लॉग इन, और जिन आवेदकों को नहीं है वो यहाँ पर करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करना पड़ेगी और आपको आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, फिर आप लोग दोस्तों यहाँ से कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। अब नोटिफिकेशन कर लेते हैं डाउनलोड, मैं बैग आता हूँ और यहाँ पर कर लेते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड। देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन है और मैंने दोस्तों कर लिया यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो भर्ती रही वो रहेगी दिव्यांग आवेदक की। अब कौन कौन से पद रहने वाले हैं वो आप लोग देख लो। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पद रहेगा, पहला सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी का रहने वाला 33 श्रेणी का रहेगा, ठीक है। 5 पोस्ट है निकाली गई यहाँ पर, आप लोगों ने क्या किया स्नातक उपाधि यहाँ पर मांगी हुई, किस में, प्लांट ब्रांडिंग एंड जेनेटिक्स में, इकोनॉमिक में, पदकारिकी में, ठीक है, पादपकारिकी में कोई सी मांग आई, ठीक है। 32 से 40 प्रारंभ होती 21 से 45 ये रखी गई। ये दूसरा पद रहेगा सहायक ग्रेड 3 का, 33 श्रेणी का, 4 पोस्ट निकाली गई यहाँ पर। आप लोगों ने 12वीं पास किया प्लस कंप्यूटर का पास, ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा हो और आपकी जो हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति और इंग्लिश आपकी 30 शब्द प्रति आपको पास आना चाहिए, मतलब स्कोर कार्ड आपके पास सीबीसीटी का होना चाहिए। 19,500 से लेगी 18 से 45 एज आपकी रखी गई है। नेक्स्ट टेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेनोग्राफिस्ट का 33 श्रेणी का एक पद रहेगा, 12वीं प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस सीबीसीटी यहाँ पर मांगा हुआ है। 19,000 से 40 18 से 45 एज रहेगी। नेक्स्ट पद रहेगा प्रयोगशाला सहायक का 33 श्रेणी का रहेगा, 2 पद यहाँ पर निकाले गए। यहाँ पर दोस्तों 12वीं पास मांगा हुआ है विज्ञान से, आप लोगों ने किया हो वनस्पति समूह से तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 19,500 से 40 रहेगी, 18 से 45 बाद एज रखी गई, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी दी है PDF यहाँ पर। अब आप लोग देख लें आप विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो अलग कैटेगरी यहाँ पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, आपका दोस्तों चयन किया जाएगा यहाँ पर मेरिट के आधार पर, मतलब आप कोई भी आपका एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लें पूरी यहाँ पर हर एक की क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग यहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नए जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।